नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की न्यूज अपडेट के बारे में, काफी गर्मा गर्म न्यूज अपडेट जो हम आपके लिए लेके आए हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, दबा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसके सामने मिलता है बेल आइकन, दबाने नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जर्मनी की तरफ से। तो जर्मनी के अंदर जो है छोटे बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच जो है बैन कर दी गई है। मतलब छोटे बच्चों को ये जरूरी नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट का यहाँ पर मानना है। तो उनके मुताबिक जो है बच्चों को स्मार्ट वॉच देना एक मतलब कानून अपराध यहाँ पर हो गया है। तो नया कानून बना दिया वहाँ पर, जो स्मार्ट वॉच है वो बच्चों के लिए नहीं है। तो इस हिसाब से जो है वहाँ पर बैन कर दिए गए हैं बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच। तो वहाँ के बच्चे जो है स्मार्ट वॉच को यूज़ नहीं करने वाले हैं 18 वर्ष से ऊपर होने के बाद जो, या फिर 18 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे हैं या फिर कॉलेज लाइफ जो ज्वाइन कर चुके हैं वो सब जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी नहीं। दोस्तों, अब अगली अपडेट आ रही है साइंटिस्ट की तरफ से या फिर साइंस की तरफ से। मतलब एक जगह के ऊपर जो है हेड ट्रांसफर जो है कर दिया है, मतलब ट्रांसप्लांट कर दिया है सर को। इस सर को हमारे को मतलब 30 साल का एक आदमी था, उसका सर निकाल कर दूसरे यहाँ पर सर निकालने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो अंदर माइंड वाला हिस्सा होता है उसे निकाल कर यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो ये मतलब किया है डॉक्टर शाओपिंग रेन ने, जो कि हैं हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने जो है ये काम संपूर्ण मतलब कम्प्लीटली आराम से जो है कर लिया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अगर निकल के आती है तो उनका सोल्यूशन यहाँ पर आराम से जो है मिल जाए। तो फ्यूचर के अंदर और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, उसके चलते जो है यहाँ पर काफ़ी सारे आविष्कार होते रहते हैं। इस प्रकार के काम जो है काफ़ी रिस्की होते हैं, लेकिन फिर भी जो है रिस्क उठाने के बाद जो है सफलता मिलती है तो काफ़ी यहाँ पर खुशी की बात होती है। तो हमने ये सब जो है कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है एप्पल iOS की तरफ से। तो नया UI सिस्टम जो है एप्पल यहाँ पर बना रहा है, तो यूज़र इंटरफेस जो आपको कुछ ही दिन में नया देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन डिज़ाइन के साथ यहाँ पर उभर के कुछ आने वाला है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन में जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलने वाले, तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब नोटिफिकेशन जो है अभी तक सभी मोबाइल या फिर सभी जो यूज़र इंटरफेस हैं उनके अंदर एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही अलग और हटके और काफ़ी सुंदरता से यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो काफ़ी बढ़िया बात है निकल के आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है नासा की तरफ से। नासा ने जो है 10 से नाइकॉन के जो कैमराज हैं वो भेज दिए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर। मतलब काफ़ी लाइट या फिर लो लाइट के अंदर मतलब फोटोग्राफी निकालने के लिए D5 जो निकॉन का मॉडल है ये काफ़ी मतलब दमदार है इस काम के लिए, तो इसलिए यहाँ पर चुने हैं 10 पीस और भेज दिए ऊपर। तो लो लाइट के अंदर भी ये काम करने वाले हैं और वहाँ से जो है फोटोज निकाल निकाल कर भेजने वाले हैं। उनके साथ जो है कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि अच्छी अच्छी फोटोज़ निकाल कर तुरंत ही जो है नासा को यहाँ पर भेजता रहेगा, जो कि लो लाइट के अंदर मतलब काफ़ी प्रभावी यहाँ पर फोटो निकाल देगा, जो कि पहले जो है मतलब पॉसिबल नहीं थी। काफ़ी सारी जो है ख़राब खराब तस्वीरें निकल के आती थी, उन्हें काफ़ी साफ करके देखा जाता था। तो ये सिस्टम जो है अब बंद हो गया है, तो उसके चलते जो है काफ़ी अच्छी फोटोज़ जो है नासा को यहाँ पर मिलने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है फिर से ऑटोनोमस या फिर रोबोट्स कहें, तो उनकी तरफ से इनको जो है वेपन देकर कुछ यहाँ पर कमाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बनाई जा रही है फौज, काफ़ी बार पहले भी जो है मैंने इसके बारे में बात की है, लेकिन अभी तो रेडी कर दिया है और उसे सिखाया जा रहा है कि गोली किस प्रकार दागनी है, बंदूक किस प्रकार चलानी है, लोड कैसे करनी है, ये वो सब कुछ जो है काफ़ी सारे जो वेपन्स होते हैं उनकी मतलब उनके दिमाग में यहाँ पर फीड किए जा रहे हैं, किस प्रकार से जो है काम करने वाले हैं उन्हें सिखाए जा रहे हैं। मतलब उनकी लर्निंग यहाँ पर चल रही है, फ्यूचर के अंदर जो है ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। अगर उस रोबोट का दिमाग ख़राब हो गया तो वो किसी को भी जो है शूट कर सकता है। तो ये एक रोबोट है, इसमें जो है फीलिंग वगैरह तो होती नहीं है, किसको जो है शूट करना है किसको नहीं करना है ये सब भी जो है उन्हें अभी देखना होगा, उसके बाद जो है परफेक्टली निकल के बाहर आएगा। अभी तो सिर्फ इसकी जो है रिपोर्ट ही निकल के आ रही है कि इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आने के बाद जो है कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है क्वालकॉम और मीडियाटेक की तरफ से। दोनों की यहाँ पर होड़ मची हुई है चिपसेट बनाने में, मतलब कौन सी चिपसेट जो है यहाँ पर एडवांस काम करने वाली है या फिर कौन सा जो है यहाँ पर आगे निकलने वाला है एक CPU के मामले में। तो दोनों की यहाँ पर होड़ मची हुई है। तो मीडियाटेक का भी X20 CPU मार्केट में निकल के आ रहा है और जो क्वालकॉम है वो 845 CPU के ऊपर अभी काम कर रहा है। अगर 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बनाते हैं दोनों CPU तो कुछ कमाल यहाँ पर हो सकता है। अभी तो सिर्फ ये एक न्यूज़ ही है जो कि निकल के आई है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप अपडेट में नया फीचर यहाँ पर मतलब लगाने की यहाँ पर बात हो रही है व्हाट्सएप के अंदर। तो ग्रुप एडमिन जो है ये कंट्रोल कर सकता है काफ़ी सारे जो मेंबर्स होते हैं उसके नीचे उनके मैसेजेस को, किसको जो है कौन सा मैसेज यहाँ पर करना है, नहीं करना है, डिलीट करना है, ये वो सब कुछ जो है
वो कंट्रोल कर सकता है, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल जो है उसके हाथ में यहाँ पर होने वाला। तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप भी हैं कि ग्रुप के एडमिन फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर, तो आपको भी जो है काफ़ी अच्छी अच्छी सुविधाएँ मिलती रहेंगी। अब जो एडमिन्स के ऊपर ही यहाँ पर जो है मतलब डेवलप किया जा रहा है एप्लीकेशंस को, तो व्हाट्सएप के अंदर ये फीचर जो है जल्दी ही एक अपडेट के द्वारा निकल के आने वाला है। उसके बाद मैं आपको फिर से जो है नोटिफिकेशन इसका दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है एप्पल वॉच को लेकर, जो कि LTE वॉच है, तो उनमें जो है नया सिस्टम लागू करने की यहाँ पर मतलब बात कही जा रही है। तो एमरजेंसी के अंदर मतलब जो SOC कॉल होती है वो सब वो कर दे, अगर कोई भी नेटवर्क उनके पास नहीं है तो उसके अंदर पहले से ऐसी फीडबैक यहाँ पर लगा के रखनी होगी। तो ऐसा सेलुलर प्लान जो है यहाँ पर किया जा रहा है कि इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी कॉल, पुलिस, एम्बुलेंस वगैरह वगैरह यहाँ पर जो है कॉल किया जा सके, चाहे उसके अंदर सिम हो नहीं हो, नेटवर्क हो नहीं हो, कहीं पर ऐसी जगह फंसे हों जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी ना मिल रही हो, किसी प्रकार की वाईफाई वगैरह कुछ भी, तो वहाँ से जो है SOS कॉल यहाँ पर की जा सके। तो उसके लिए जो है LTE वॉच जो है एप्पल की, उनके अंदर ये अपडेट जल्दी ही लागू कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट फिर से आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल यहाँ पर प्लान कर रहा है 3D सेंसर्स का, जो कि आने वाले मोबाइल्स डिवाइस के अंदर यहाँ पर लगाने वाला है, जो कि आईफोन को और भी ज़्यादा जो है बेहतरीन यहाँ पर बनाने वाले हैं। अगर 3D सेंसर यहाँ पर लग जाता है आईफोन के अंदर, तो काफ़ी कुछ कमाल यहाँ पर निकल के आने वाला है, काफ़ी कुछ जो है आईफोन से ही हम कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हो सकता है और भी कोई दूसरी जो कंपनियाँ हैं वो निकाल दें ऐसा कुछ फीचर, क्योंकि सभी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर एडवांस करने के लिए। तो अब आने के बाद पता चलेगा कि कौन सा जो है यहाँ पर दमदार है, इसके आने से पहले वो आ जाएगा, उसके आने से पहले ये आ जाएगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं सब इधर से उधर, मतलब होड़ मची हुई है सबकी यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है आईफोन एक्स की तरफ से। आईफोन एक्स के अंदर मतलब काफ़ी सारे यूजर्स ने यहाँ पर ट्वीट करके बताया कि उनके फ़ोन के अंदर जो ईयर पीस है जिससे कान में लगाकर हम बात करते हैं, उसके अंदर जो बजिंग की काफ़ी सारी साउंड यहाँ पर निकल के आ रही है, क्लिकिंग की काफ़ी सारी अजीब अजीब सी जो है यहाँ पर आवाज़ें सुनी जा रही हैं। तो फिर से जो है एप्पल को यहाँ पर नई अपडेट निकालनी पड़ेगी, अभी तो सिर्फ ये रिपोर्ट ही निकल के आई है। तो ईयरपीस के अंदर जो है काफ़ी सारी आवाज़ें निकल के आ रही हैं, तो बात करने में थोड़ी सी यहाँ पर असुविधा हो रही है। तो एप्पल का यहाँ पर कहना है कि असुविधा के लिए खेद है, जल्दी जो एक नई अपडेट निकल के आने वाली है, जो कोल्ड बग है वो भी जो है फिक्स किया जाएगा, उसके साथ जो है काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है, उनके लिए जो है नई नई अपडेट यहाँ पर निकल के आती रहेंगी, और उसके जो चलते जो है एक दिन मोबाइल जो है आईफोन एक्स परफेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद निकल के आने वाला आईफोन एक्स प्लस वो भी जो है परफेक्टली काम करेगा, यही हम आशा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको यहाँ पर पता चला होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है इसी वीडियो के, दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे सामने मिलता है बेल आइकन दबाना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना मतलब आपका अधिकार है, और मेरा देखना भी है कि मतलब कुछ कमाल की बात यहाँ पर हो जाती है अगर आप लाइक करते हैं तो, और शेयर भी करते हैं अपने फ्रेंड्स को। अगर आपका कोई सवाल है कोई सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।